हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, किसके द्वारा उनकी खोज की गई थी, किन के द्वारा आवेशों के नामकरण रखा गया था, कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल जीरो लेवल से अध्ययन किया है हमने इससे पहले वाले दो भागों में। तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि जो आवेश वाला गुणधर्म वस्तु प्राप्त करती है वह आवेश किस कारण से प्राप्त होता है, यानी वस्तु में ऐसा क्या है, वस्तु में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण वह वस्तु आवेश वाला गुणधर्म प्राप्त कर लेती है और जिसके कारण वस्तु अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है। ये जो गुण वस्तु ने प्राप्त किया है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, किस कारण से प्राप्त होता है, उसी का अध्ययन करेंगे हम आज की क्लास में। कंपटीशन के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होने वाली है ये क्लास और 12th के लिए तो बिल्कुल कंप्लीट है ही। सत्र 2022 और 23 के लिए रेगुलर आप बने रहिए, रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप इनका अध्ययन कीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट में हमें यहाँ पर समस्या आ रही है। इस सत्र में हमारे पास जो होगा चैप्टर भी कंप्लीट होगा, साथ में लाइव क्लास भी होंगी, साथ में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाए जाएंगे तथा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होंगे साथ के साथ में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा पूरा इस सत्र 2022 और 23 के लिए। तो बिल्कुल तैयार रहिए आप भी और यहां से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा जिसके लिए आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं सत्र 2022 और 23 के लिए। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। हमारे पास जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर जो टॉपिक है उस टॉपिक से ही अर्थ क्लियर हो जाता है, बाकी तो हम इसको अर्थ समझने के लिए अध्ययन करेंगे। हमारे पास पॉइंट है कि वैद्युत आवेश जो है उसके लिए कौन सा कण उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश प्राप्त होता है उस वस्तु को। जो गुणधर्म की हम बात करते हैं कि वो अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है, वह गुणधर्म वह किसके कारण प्राप्त करता है, तो वस्तु में वो जो कण होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन। तो आज की जो क्लास है उस आज की क्लास का क्वेश्चन भी था और उसका आंसर भी हमें एक ही मिनट के अंदर प्राप्त हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही क्यों है उसका समझने के लिए तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों है उस आवेश के लिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वह परमाणु या अणु से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ या वस्तु का जो सूक्ष्मतम कण होता है जो कि लास्ट तक टूटता नहीं है, अविभाज्य कण होता है, वह परमाणु ही होता है। लेकिन वह परमाणु भी तीन कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब तो ये हुआ कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है क्योंकि वह खुद भी तीन कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसके बाद में कोई कण प्राप्त नहीं होगा, तो वह होता है परमाणु। और परमाणु के बारे में कंप्लीट अध्ययन आप कर चुके हैं ऑलरेडी कक्षा 11 में केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में एटम वाला एक चैप्टर है और उसमें आप अध्ययन कर चुके हैं कि परमाणु क्या होता है, कौन कौन से कण है जो उनसे वो मिलकर बना हुआ होता है, कौन से कण कहां पर होते हैं, उसके ऊपर क्या आवेश होता है, ये सब कुछ है 11th क्लास की केमिस्ट्री में। और बाकी अगर हम अध्ययन करेंगे तो वह होगा 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जो है वह परमाणु वाला ही चैप्टर है। तो हम तो पूरा डिटेल से परमाणु के बारे में समझेंगे चैप्टर नंबर 12 में, लेकिन बेसिक तो हमें परमाणु के बारे में समझना ही होगा। तो हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो मूलभूत तीन कणों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट हमारे पास में है प्रोटोन, सेकेंड हमारे पास में है न्यूट्रॉन और थर्ड कण हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये तीन कण जो है जिनके द्वारा परमाणु की संरचना कंप्लीट होती है। तो किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान जो होता है वह उस परमाणु के एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक। यहां पर परमाणु का समस्त पॉजिटिव चार्ज और उसका लगभग समस्त द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान नहीं लगभग समस्त द्रव्यमान जो है उस परमाणु के एक छोटे से भाग में होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक। और वह नाभिक जो होता है उस नाभिक में होता है धनावेशित प्रोटोन, धनावेशित प्रोटोन तथा उदासीन न्यूट्रॉन, उदासीन न्यूट्रॉन ये दोनों कण होते हैं कहां पर, नाभिक में।
तथा ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ अध्ययन कर चुके हैं हम इलेवेंथ की केमिस्ट्री में। तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं परमाणु की बनी हुई होती हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। ये थी परमाणु की संरचना। यानी हमारे पास में अगर हम बात करते हैं नाभिक की, तो ये मान ली परमाणु का हो गया नाभिक और ये हो गई परमाणु की कक्षाएं, और यहाँ इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इस नाभिक में होते हैं। तो यहाँ पर नाभिक के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है, न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण है। तो नाभिक में कौन से कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन बचा, प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा नाभिक जो है वो पॉजिटिव का काम करेगा। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है। सेकंड बात हमारे पास में ये है कि नाभिक आपके पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर नाभिक पॉजिटिव है किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। थोड़ा और समझ लेते हैं, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वह चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वह नेगेटिव है। साथ में अब आप ये भी ध्यान रखना कि दोनों कणों के ऊपर जो आवेश की मात्रा होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, यानी आवेश जो है दोनों के ऊपर समान है, लेकिन प्रकृति दोनों की विपरीत है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। यहाँ कूलाम जो है वो आवेश की इकाई है, क्योंकि आवेश की मात्रा को हम माप सकते हैं, क्योंकि आवेश जो है एक भौतिक राशि है। तथा प्रोटॉन की जो मात्रा होगी वो होगी प्लस में, यानी प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ये आगे चलकर हम यहाँ पर अध्ययन भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर ये जो आवेश की मात्रा है, इलेक्ट्रॉन पर ये जो आवेश की मात्रा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया गया मान था। और ध्यान रखना आवेश का ये सबसे छोटा मान होता है, यानी इससे छोटा कोई आवेश होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो भी समझेंगे हम यहाँ पर कि सबसे छोटा आवेश यही क्यों है। हमारे को यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है कि नाभिक है जो धनावेशित है, ऋणावेशित कण है जो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब हमारे पास में ये हुआ कि एक पार्टिकल हमारे पास में है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो है वो है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब हमारे पास में होंगे तो उनके मध्य विद्युत बल लगेगा, और उनके मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, आकर्षण बल। ये हम इस कक्षा के पार्ट दो में अध्ययन कर चुके हैं, यानी इससे पहले वाले भाग में हमने समझा था कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। यहाँ पर नाभिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, जिसका मतलब दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा प्यारे दोस्तों, आकर्षण बल लगेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है वो निर्भर करता है दूरी के ऊपर। अगर दूरी बढ़ती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है, तो बल की मात्रा होगी कम, और अगर दूरी डाउन करते हैं तो वहां पर बल की मात्रा होगी ज्यादा। तो देखिए आप यहाँ से, ये नाभिक वाला जो कण है वो यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, तो इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है तो इनके बीच की दूरी देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है तो इनके बीच की दूरी देखिए। तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में बढ़ते जा रहे हैं वहां से नाभिक की और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो परमाणु है, उस परमाणु की जो अंतिम कक्षा होगी, उस अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पर तो इस नाभिक का जो आकर्षण बल लगेगा वह सबसे कम लगेगा। यानी परमाणु की जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम लगेगा, क्योंकि उस अंतिम कक्षा की नाभिक से दूरी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के आकर्षण बल से कम बल से कसकर बंधा हुआ होगा, बाकी अन्य कक्षाएं जो होंगी उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, इस वजह से कसकर बंधे हुए होंगे। यहां तक आपके समझ में आ चुका होगा। सेकंड बात हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर है, और जो नाभिक के अंदर जो कण है उनको बोला जाता है नाभिकीय कण, और नाभिकीय कणों के मध्य जो बल लगता है, कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का उसमें अध्ययन किया था कि प्रकृति के मूल चार बल होते हैं, उनमें एक बल की हम बात भी कर लेते हैं, वो कौन सा बल था, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल लगता है नाभिकीय कणों के मध्य। नाभिकीय कण कौन से हैं प्यारे दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका मतलब ये होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कौन सा बल लगेगा, नाभिकीय बल।
तो हम तो ये भी जानते हैं कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल जो होता है वह कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है, और उसकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण प्रकृति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगेगा और ये कण एक दूसरे को बाहर ही नहीं जाने देंगे क्योंकि नाभिकीय बल तो सबसे मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इस नाभिक वाली बाउंड्री से बाहर ही नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इनका तो आना जाना बंद हो चुका है, तो बाहर आने जाने का प्रोग्राम जो होगा वो सिर्फ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा सकते क्योंकि इनके ऊपर नाभिक का वैद्युत बल थोड़ा ज्यादा है, इसके ऊपर कम है, ऊपर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों में और भी कम है। जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाएगी उनके इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण बल भी डाउन होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसी एनर्जी मिल जाए कि वहां पर वो उस थोड़े बहुत बल को कंप्लीट करके बाहर जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बिल्कुल यहां से बाहर जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं इसे आगे। तो अब हम यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम यहां थोड़ा समझें कि यहां पर जो परमाणु होता है उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपने 11th क्लास में अध्ययन कर ही चुके हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेता हूं N1, हो सकता है किसी परमाणु में N1 इलेक्ट्रॉन है, तथा प्रोटॉनों की संख्या कितनी मान लेता हूं मैं N2 मान लेता हूं। आप चाहो तो इसको P से भी दर्शा सकते हो, आप इसको E से भी दर्शा सकते हो। नॉर्मल हमारे पास ऐसी वस्तु है जिसको हमने किसी दूसरी वस्तु से नहीं रगड़ा, इसका मतलब उसके जो परमाणु है वो सामान्य अवस्था में है, तो उस स्थिति में यहां पर N1 जो है वो किसके बराबर होगा, N2 के बराबर होगा, यानी प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है। यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं इसे थोड़ा आगे। सपोज कीजिए कि ये जो परमाणु है इस परमाणु में 11 प्रोटॉन हैं, और 11 प्रोटॉन होने का मतलब है कि उसका परमाणु क्रमांक 11 है, और परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब उस समय वहां पर कौन सा तत्व होगा, वहां पर सोडियम होगा। 11वें नंबर पे क्या आता है, सोडियम आता है। तो यहां पर सामान्य अवस्था में Na जो है उसमें 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं, इसके साथ का ही जोड़ा होता है NaCl की अगर हम बात करते हैं, कंबाइन करेंगे तो क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 होगी क्योंकि ये 17 नंबर पे आता है, यानी उसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 17 ही है। यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा। इसी से ही कुछ और अर्थ निकलेंगे, बिल्कुल गहराई से बने रहिए। यहां पर आपको ये बताया गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है, उनकी प्रकृति विपरीत जरूर होती है लेकिन मात्रा समान है। तो अब आप ये बताइए कि सामान्य अवस्था में सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम के ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा, पूरे सोडियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो 11 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻¹⁹, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को टोटल धनावेश का मान पता चल जाएगा। हम इसके टोटल की बात करते हैं, इसका मतलब उसमें जितना भी चार्ज है उन सबको जोड़ेंगे साधारण तरीके से, इससे पहले वाले भाग में हमने अध्ययन भी किया है। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ ही होता है, लेकिन होता किसमें है वो माइनस में, ये हो गया माइनस का। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सोडियम का टोटल चार्ज, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस का है एक माइनस का, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में नहीं आया कि सोडियम जो है वो सामान्य अवस्था में अब क्या हुआ, उदासीन हुआ, क्योंकि यहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी बची, 0 बची है। यहाँ पर देखो 17 प्रोटॉन है तो 17 प्लस वाले मान आएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 माइनस वाले मान आएंगे, टोटल करेंगे तो फाइनल कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्लोरीन जो है वो सामान्य अवस्था में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी वो वैद्युत क्या है, उदासीन। क्या समझ में आया, सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में परमाणु जो होता है वह विद्युत का उदासीन होता है, कोई भी अणु और जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है सामान्य अवस्था में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं इसे थोड़ा आगे। अब हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं कि नाभिक आकर्षण बल जो है वो किसी पर ज्यादा है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कम है, तो हमारे पास अब हम लेते हैं कोई दो वस्तु, मान लीजिए हमारे पास ये कांच की छड़ है और यहाँ पर एक रेशम का कपड़ा हमने लिया है, तो यहाँ पर कांच की छड़ की अगर हम बात करते हैं तो कांच की छड़ नॉर्मल अवस्था में टोटल चार्ज कितना है, 0। यहाँ पर रेशम के कपड़े की बात करते हैं तो नॉर्मल अवस्था में इसके ऊपर भी टोटल चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि इसके अंदर की जितने भी परमाणु है वो सामान्य अवस्था में ही है, तो सामान्य अवस्था में रहने वाले सभी परमाणु जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, उदासीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो आपकी वस्तु हमने काम में ली है, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, उनके ऊपर चार्ज जो है वो 0-0 है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं इसे थोड़ा आगे। अब आप जब इन दोनों को आपस में घर्षण कराते हैं, जब यहाँ पर इनको घर्षण कराया जाता है तो घर्षण कराने के कारण अब समझना यहीं से,
घर्षण कराने के कारण घर्षण की प्रक्रिया से कुछ एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है जो नाभिक के आकर्षण बल से कम कसकर बंधे हुए होते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन बंधन मुक्त हो जाता है और उस वस्तु पर पहुंच जाता है जिसके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते, यानी वो आकर्षण बल ज्यादा से बंधे हुए होते हैं वो तो निकलेंगे नहीं, और कम बल से जो बंधे हुए हैं वो वहां से निकल जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई दो घर हैं और इस दो घर में कोई एक मेंबर यहाँ पर है, एक मेंबर यहाँ पर है, इस घर का अनुशासन बहुत टाइट है और इस घर का अनुशासन बिल्कुल डाउन है सपोज कीजिए। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ से ये वाला मेंबर इस साइड में जाएगा, ये वाला मेंबर इस साइड से इस साइड में जाएगा, यहाँ से ये वाला मेंबर जो है वो इस साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो रोकने का जो प्रयास किया गया वो रोकने वाला प्रयास डाउन है, वहां का अनुशासन थोड़ा डाउन है, तो ये मेंबर इधर की ओर जाएगा क्योंकि उसको खींचने वाला जो आकर्षण बल है वो थोड़ा डाउन है। ये सामान्य भाषा की बात करें तो ऐसा ही प्रक्रिया यहाँ पर होगी कि जिन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक कम बल से खींच रहा है वो वहां से निकल जाएंगे, और जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक ज्यादा बल से खींच रहा था वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस घर्षण की प्रक्रिया में उन इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कम बल से बंधे हुए थे और उस बल को तोड़ने के लिए उनको एनर्जी मिल जाती है घर्षण से, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उस वस्तु पर पहुंच जाता है जहां से वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहे थे। तो यहां पर बात करते हैं इन दोनों जोड़ों की, तो यहां से कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और किसके ऊपर पहुंच जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। क्लियर है, रेशम के कपड़े पर वो पहुंच जाते हैं। जब आपने अध्ययन किया होगा तो NaCl की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसके ऊपर पहुंच जाता है, क्लोरीन के ऊपर पहुंच जाता है। तो जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, और वह इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पहुंच रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 18। ढंग से समझना, अर्थ यहीं से क्लियर होगा अपने पास में। इससे पहले तो दोनों 11-11, 17-17 थे, तब टोटल चार्ज जीरो था, टोटल चार्ज जीरो था। अब अपने पास क्या हुआ कि इनके बीच में कुछ ऐसी क्रिया हुई कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां पर पहुंच गया, यहां पर घर्षण की प्रक्रिया हुई। यहां पर उस परिस्थिति के अनुसार कोई सी भी एक ऐसी घटना हो सकती है कि जहां से वो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंच जाता है, वहां पर क्रिया होगी उस, तो किसी भी प्रक्रिया के द्वारा वहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है। यहां पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला, सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका मतलब इस वस्तु के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। यहां से अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो दो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर पहुंच गया, इसका मतलब यहां पर प्रोटॉन तो चेंज हो ही नहीं सकते, वो तो नाभिक से निकल ही नहीं सकते, तो आने जाने का प्रोग्राम किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो प्रोटॉन पे कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब यहां पर इनके बीच में कुछ क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, यहां पर घर्षण की प्रक्रिया से यहां पर इलेक्ट्रॉन डाउन हुए, यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डाउन और बढ़ने की वजह से अब क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। देखो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो अब की बार जो चार्ज रहेगा वो कितने इलेक्ट्रॉनों का रहेगा, 10 का ही रहेगा। तो अब आप ये बताइए कि पॉजिटिव मान तो 11 है, यहां पर मान है 10, तो आपके पास आवेश बचेगा कि नहीं बचेगा, एक के बराबर बचेगा, 11 में से 10 जाएगा तो एक बचेगा, यानी 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम आवेश बचेगा। मान किसमें बचा प्यारे विद्यार्थियों, पॉजिटिव चार्ज में बचा, ध्यान रखना। यहां पर देखो आप, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, पहले तो टोटल चार्ज जीरो था, अब देखिए प्रोटोन अपने पास 17 ही है, तो इसका मतलब 17 × 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम ही हुआ टोटल चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का कितना हुआ, −18 × 1.6 × 10⁻¹⁹ हुआ। अब जोड़ बाकी करेंगे तो आपके पास 17 और 18 माइनस का है तो एक ही तो बचेगा, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ बचा, वो भी किसमें बचा, माइनस में बचा। यहां पर मान आया नेगेटिव में, यहां पर मान किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में, यानी जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं वहां पर चार्ज कैसा बच रहा है, पॉजिटिव बच रहा है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहां पर चार्ज कैसा बच रहा है, नेगेटिव बच रहा है। यानी जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई। जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, वृद्धि हुई। हुई या नहीं हुई, आप देखिए यहां पर पहले 17 थे अब कितने हो गए, 18। यहां पर 11 थे कितने हो गए, 10 ही हो गए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। यहां पर अब की बार आपके प्लस वाले जो 17 मान है वो कम है और नेगेटिव वाले मान ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज ज्यादा आएगा। यहां पर अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इसका मतलब प्लस वाले मान बचेंगे। तो क्या अर्थ समझ में आ रहा है कि जब आपके परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है
तो हमें आवेश प्राप्त हो जाता है। यही तो हुआ इसका अर्थ। पहले जब 11 11 थे टोटल चार जीरो था, जब 17 17 थे टोटल चार जीरो था, अब की बार 11 10 और 17 18 हो गए, दोनों में अंतर आ गया, तो एक पर मान प्लस का बच गया, एक पर मान माइनस का बच गया। और जब मान आपके प्लस माइनस में बच ही रहे हैं, आवेश बच ही रहे, तो उन्हीं को तो हम आवेशित होना कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का एक ऐसा मूलभूत गुण है जो किसके कारण प्राप्त होता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण प्राप्त होता है। तो अर्थ समझ में आ गया होगा आपके कि वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। अर्थ ये हुआ कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा कण उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन कण उत्तरदायी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसका मतलब वहां पर प्रोटॉन ज्यादा बचेंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, वो वस्तु कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, प्रोटॉनों की संख्या कम, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई तो चार्ज कैसा आया वहां पर? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो क्या अब आपको ये समझ में नहीं आया कि नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होना है। तो साधारण तरीके से अब याद ये कर सकते हो कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का अर्थ क्या है, जो नॉर्मल समझे। धनात्मक आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणात्मक आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। अर्थ समझ में आ गया होगा? दोनों ही प्रक्रियाओं को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। यहाँ पर आवेश जो मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो किसकी वजह से मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनों के कम होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के कारण। तो मैन कण कौन सा चल रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहा है, या तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इसका मतलब आवेश जो है वो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। तो अब तक हमने जो समझा उसके अनुसार ये हुआ कि किसी भी नाभिक का जो चार्ज होता है वह धनात्मक होता है, और धनात्मक नाभिक होता है किसकी वजह से है? प्रोटोनों की वजह से होता है। प्रोटोन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ये अब तक हमने समझा है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। ये अब तक क्लियर हो चुका है। यहाँ पर नाभिक के पास में जो कक्षा है वो कम दूरी पर है, इसलिए वहां पर जो बल लगेगा आकर्षण बल वो ज्यादा होगा। नाभिक से कक्षा की दूरी अगर बढ़ती है तो वहां पर बल की मात्रा जो होगी वो डाउन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर जो आकर्षण बल लगेगा वो कम होगा, यानी वो कम आकर्षण बल से बंधे हुए होंगे। यहाँ तक हमारे पास मैटर कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। तो परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समान मात्रा में होते हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर समझें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो समान होती है। मात्रा भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, कूलाम आवेश की इकाई होती है। ये भी कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये समझे कि सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है, सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है वह विद्युत का उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या हमने N2 मानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N1 मानी है। दोनों मान जब बराबर रहेंगे आवेश की मात्रा बराबर रहेगी, प्रकृति विपरीत है, तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सामान्य अवस्था में परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो जब भी कोई वस्तु चार्ज होती है यानी उस वस्तु पर आवेश होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु के परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर होना जरूरी है, और अंतर जब होगा तभी वो वस्तु क्या होगी? आवेशित होगी। ये अब आप क्लियर समझ चुके होंगे। तो आवेशित होने के लिए वस्तुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। अब अंतर जब आ जाएगा तो किस वस्तु पर धनात्मक आवेश होगा, किस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होगा, वो भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि जहां पर प्रोटोनों की संख्या ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। प्रोटोनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, आप इसको पी और ग्रेटर देन ई भी लिख सकते हैं, जिसे आप समझ जाओगे। प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन, पी की संख्या ज्यादा है, ई की संख्या कम, इसका मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव वाला चार्ज कम है। तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है प्यारे विद्यार्थियों? कमी हुई है। और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब चार्ज जो उस वस्तु पर आएगा वो कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रक्रिया में अगर हम ये समझे कि N1 बड़ा है N2 से, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है प्रोटोनों की संख्या से, जब प्रोटोनों की संख्या कम होगी इसका मतलब उस परमाणु का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर आपके ज्यादा है इसका मतलब वहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटोन कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने का मतलब है कि उस वस्तु के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरा अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इसका मतलब उस वस्तु पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। सेकंड, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि, इसका मतलब उस वस्तु पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बात हम कर लेते हैं उदाहरण लेकर जिसके बारे में हम समझ सकते हैं। ये हमारे पास में कांच की छड़ है और ये हमारे पास रेशम का कपड़ा है। इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लेते हैं, जब इनको हम घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने पर कांच की छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो अब आप ये बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण हुआ वो कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु की ओर होगा, कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर होगा या रेशम के कपड़े के इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पर आएंगे, किस पर होगा इनका स्थानांतरण, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आपके तब होगा जब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी तब होगी जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किसके ऊपर पहुंच जाते हैं, रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और उतना ही आवेश उसके ऊपर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इस कारण से कांच की छड़ पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अर्थ क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज आया किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण। अब आप ये बता सकते हैं कि अगर हम प्लास्टिक की छड़ लेते थे और एक बिल्ली की समूह की बात की थी हमने इससे पहले वाले भाग में, तो वहां पर प्लास्टिक की छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु में ट्रांसफर हुए थे, यहाँ से बिल्ली की खाल से वो पहुंच गए थे किसके ऊपर, प्लास्टिक की छड़ पर। तो ये था हमारे पास विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का टोटल मैटर कम्प्लीट। अब तक मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ चुका होगा कि धनात्मक आवेश होने का मतलब क्या होता है। साधारण सा पकड़ के रखिए पॉइंट को कि धनात्मक आवेश क्या होता है। धनात्मक आवेश जब भी बोला जाए समझ जाना वहां उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। अगर ऋणात्मक आवेश बोला जाता है तो समझ जाना कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए और किसी एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं, ये भी तो एक कण ही तो है, और कण है तो इसका मतलब है कि उनमें मास भी होता है, यानी द्रव्य की मात्रा भी है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³⁰ kg, बहुत कम होता है, बिल्कुल न के बराबर द्रव्यमान होता है, लेकिन कण है तो इसका मतलब वहां पर द्रव्यमान तो होगा ही होगा, कुछ भी हो लेकिन द्रव्यमान है। तो अब आप ये बताइए कि अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में पहुंच चुके हैं तो क्या इस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगी या नहीं होगी। यहाँ पर ट्रांसफर कौन हुआ है, इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो जितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, उतने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की या तो कमी होगी या उतने ही इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की क्या होगी, वृद्धि। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो यहाँ पर कितनी कमी होगी, 5 × 9.1 की कमी होगी। दूसरी वस्तु पर कितने की वृद्धि होगी, 5 × इतने की वृद्धि होगी। क्लियर हो चुका है, क्योंकि कण है तो मास भी है, मास है तो इसका मतलब वो कण जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा तो उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। जिस वस्तु के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये बताइए कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर है, किसी वस्तु के अंदर है। और अगर वस्तु ही नहीं होती तो क्या वहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। हमने क्या बोला है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होता है तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो जब वहां पर कोई वस्तु ही नहीं होगी, तो जब वहां पर कोई वस्तु ही नहीं होगी तो इसका मतलब क्या, वहां पर मास होगा, क्या द्रव्यमान होगा,
द्रव्यमान तो किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा, जब द्रव्य ही नहीं होगा, जब द्रव्य ही नहीं होगा तो द्रव्यमान ही नहीं होगा, और जब द्रव्यमान ही नहीं होगा तो वहां कोई वस्तु ही नहीं होगी, वस्तु ही नहीं होगी तो क्या वहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही नहीं होगा तो क्या कोई चार्ज संभव है, क्योंकि चार्ज था किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी वृद्धि की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो कमी वृद्धि तो तब होगी जब कोई वस्तु होगी, वस्तु आपकी है ही नहीं, द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब m बराबर अगर जीरो है तो ये तो पक्का है कि q बराबर भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। ये मार्कर है, मार्कर कोई बालों से रगड़ते हैं तो मार्कर ही नहीं होगा तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, जब मार्कर ही नहीं होगा तो चार्ज की बात ही नहीं कर सकते, चार्ज आपकी कब होगा, जब वस्तु होगी, जब द्रव्यमान होगा तो ही चार्ज होगा, यानी हमारे पास m का होना जरूरी है, m अगर है तो चार्ज है, अगर m नहीं है तो चार्ज नहीं है। क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि चार्ज किसकी वजह से है, द्रव्यमान की वजह से, यानी द्रव्यमान के बिना इस चार्ज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सेकंड, अगर मान लीजिए कि चार्ज ही नहीं है, किसी वस्तु पर चार्ज ही नहीं है तो क्या वो वस्तु नहीं है, क्या क्या वहां द्रव्यमान नहीं है, जब मैंने ये पेन लिया बालों के नहीं रगड़ा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्यू बराबर क्या है, जीरो, तो क्या यहां पर एम बराबर जीरो है, इस समय इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्यू बराबर जीरो है, तो क्या यहां पर द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान तो है, तो यहां पर Q बराबर वैल्यू है, जब इसको रगड़ा तो इसके ऊपर चार्ज आ चुका, द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो जब चार्ज नहीं था तो भी था, द्रव्यमान तो आगे तब भी है जब वस्तु पर चार्ज है, चार्ज है तो द्रव्यमान है, चार्ज नहीं है तो भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं होने पर आवेश नहीं होगा, द्रव्यमान होने पर आवेश हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके चार्ज है तो भी द्रव्यमान होगा, चार्ज नहीं है तो भी द्रव्यमान होगा। यानी तो हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो चुका है सब कुछ आज की क्लास में कि वैद्युत आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्यों है, जो हमारे पास ये सिद्धांत था उस सिद्धांत का फाइनल हमारे को रिजल्ट मिल चुका है। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है, जिस बारे में हमने समझा है, उसका तात्पर्य हम यहाँ पर समझ चुके थे कि हमारे पास अगर प्रोटोन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आता है तब वस्तु आवेशित होती है। यहां से हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने n1 माना है और प्रोटोनों की संख्या को n2 माना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रोटोनों की संख्या कम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी यहां पर n2 जो छोटा है n1 क्या है आपके बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की एक तरह से कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है वृद्धि है। कमी और वृद्धि होने का मतलब ये है कि वहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या है अंतर है, अंतर होने का मतलब ये है कि वहां पर वस्तु आवेशित है। अगर P बराबर E होता है, मैं ये कहूँ कि N2 बराबर N1 है तो इसका मतलब वो वस्तु जो है वो विद्युत उदासीन होती है, या आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। यहीं से आगे हाँ आपने एक सारांश ये भी निकाला है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होती है कमी होती है, कितनी कमी होती है जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर कमी होती है। अगर किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है कि उसके द्रव्यमान में भी क्या होगी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु के ऊपर पहुंचे हैं उतने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर उसमें क्या होगी वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमने एक सारांश ये भी निकाला है कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो वहां पर आवेश हो भी सकता है और आवेश नहीं भी हो सकता। यहां पर सेकंड ये करते हैं कि अगर आवेश है किसी वस्तु के ऊपर तो वहां पर द्रव्यमान होगा, अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश नहीं है तो भी द्रव्यमान होगा। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर फोटोन की, जो कि हम कक्षा 12 में ही चैप्टर नंबर 11 में अध्ययन करेंगे फोटोन के बारे में। तो फोटोन की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो विराम द्रव्यमान होता है वो विराम द्रव्यमान जीरो होता है। जब द्रव्यमान आपकी जीरो होगा यानी वस्तु का द्रव्यमान ही नहीं है तो ये भी पक्का है कि वहां पर आवेश का मान क्या होगा जीरो होगा, यानी फोटोन जो है वो एक वैद्युत उदासीन कण होता है जो कि ऊर्जा का एक पैकेट होता है, वो अध्ययन करेंगे उस चैप्टर में। हम फिलहाल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब उसका द्रव्यमान जीरो है तो ये भी पक्का है कि वहां पर आवेश नहीं होगा,
द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हो गया आज की क्लास का हमारा टॉपिक कंप्लीट, वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और अगर प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आता है, अर्थ आपको क्लियर होता है, जो समझाया गया उसका अर्थ आपके माइंड तक पहुंच रहा है, क्या बताना चाहते थे इसके अंदर, वो चीजें अगर आपकी बिल्कुल क्लियर होती है तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अन्य दोस्तों को सेंड कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट भाग 4 में हम अध्ययन करेंगे इसी आवेश का रिलेटेड पॉइंट, जिस वस्तु पर आवेश प्राप्त हो रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी और वृद्धि की वजह से, वहां पर उस वस्तु पर आवेश है भी या नहीं, उस आवेश की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाएगा, उस वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट में देखेंगे किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाले किसी उपकरण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।